2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी? पत्रकारों ने लालू यादव से सवाल पूछा तो उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतने जा रही है। इसके अलावा पत्रकारों ने पीओके के लिए जो अमित शाह ने कहा था कि नेहरू जी जिम्मेवार हैं, उस पर भी उन्होंने सवाल पूछा गया लालू यादव से। पत्रकारों ने पूछा, इस पर भी लालू यादव ने कहा कि अमित शाह की वजह से ही कश्मीर हो या हर जगह हमले हो रहे हैं, अमित शाह को कुछ भी पता नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं कि पत्रकारों ने जब लालू यादव से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या क्या जवाब दिए। लोकसभा एक भी सीट नहीं जीतेगा, वो हम लोग जीतेगा। अच्छा, ये अमित शाह कल लोकसभा में बोले हैं कि पीओके के लिए जवाहरलाल नेहरू ही थे दोषी, लगातार उन पर हमले कर रहे हैं अमित शाह। अमित शाह को कोई मालूम है, कोई जानकारी नहीं है। क्या लोगों से पीओके के लिए, पीओके पर जो डेंजर है इसके लिए अमित शाह। अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, जेएनके पर, तो सब के लिए जिम्मेवार हैं अमित शाह। मीटिंग कब होगा सर? इंडिया 17-18 को 2024 की तैयारी है सर पूरा। इसके अलावा पत्रकारों ने लालू यादव से इंडिया अलायंस की जो संभावित बैठक है उसकी तारीख के बारे में भी पूछा। पहले लालू यादव ने 17 दिसंबर वो तारीख बताई थी कि इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। अब जब पत्रकारों ने उनसे इसी मसले पर दोबारा सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 17 और 18 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लोकसभा एक भी सीट नहीं जीतेगा, वो हम लोग जीतेगा। अच्छा, ये अमित शाह कल लोकसभा में बोले हैं कि पीओके के लिए जवाहरलाल नेहरू ही थे दोषी, लगातार उन पर हमले कर रहे हैं अमित शाह। अमित शाह को कोई मालूम है, कोई जानकारी नहीं है। क्या लोगों से पीओके के लिए, पीओके पर जो डेंजर है इसके लिए अमित शाह। अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, जेएनके पर, तो सब के लिए जिम्मेवार हैं अमित शाह। मीटिंग कब होगा सर? इंडिया 17-18 को 2024 की तैयारी है सर पूरा। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।